यहाँ मंच पर बैठे दिल्ली के एलजी साहब और उस यूनिवर्सिटी के चांसलर विनय सक्सेना जी, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर साहब रामनिवास गोयल जी, ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी, यहाँ विश्वासनगर विधानसभा के विधायक हमारे कॉलीग गोपी शर्मा जी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वर्मा जी, हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हायर एजुकेशन की हमारी सेक्रेटरी एलिस वास जी, हमारे डायरेक्टर भूपेश जी, पीडब्ल्यूडी के हमारे ईएनसी अनंत कुमार जी, और यहाँ पे मौजूद सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आज इस शानदार कैंपस के लिए। जब ये कैंपस अपनी कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन स्टेज पे था, तो मैं थिंक 2 महीने पहले की बात होगी, जब एक बारी मैं पीडब्ल्यूडी के साथ, हायर एजुकेशन के साथ, सब लोग हम इसको इंस्पेक्ट करने आए थे कि कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँचा, कितना रहता है। तो उस विजिट की जब फोटोग्राफ्स मैंने सोशल मीडिया पर डाली, तो किसी ने मुझसे पूछा, क्या ये स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस है या ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस है? तो मैंने उनको कहा, ना ये स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ना ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ये दिल्ली सरकार की गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली का कैंपस है, जो आज बैठिए प्लीज बैठिए। और मैं बधाई देना चाहूंगी, अरे बैठिए भाई, देखिए प्लीज प्लीज, देखिए मैं तो इस बात की बधाई देती हूं सबको कि आज इस देश की राजनीति में पहली बार कम से कम शिक्षा राजनीति का मुद्दा तो बनी कि सब कहना चाहते हैं कि हमने ये यूनिवर्सिटी कैंपस बनाया है। तो मैं सबको धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। देखिए, सब चाहते हैं, इस देश का एक एक व्यक्ति चाहता है कि भारत दुनिया का नंबर वन देश बने। इस देश का हर बच्चा, इस देश का हर नागरिक चाहता है कि भारत विश्व गुरु बने। लेकिन बिल्कुल आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भारत दुनिया का नंबर वन देश बने। लेकिन देखिए, अगर आप इस तरह से करेंगे तो हमें प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, एकेडमिक प्रोग्राम है, इसकी गरिमा बनाए रखे। मंत्री जी बोल रही हैं, प्लीज आदर करें, हमारे राज्यपाल साहब यहां बैठे हैं, आप ये क्या आप कर रहे हैं? ये आपकी इस यूनिवर्सिटी को ये शोभा देता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं? प्लीज, इसके बाद कोई इस तरह की हरकत नहीं करेगा, प्लीज मेरी गुजारिश है, नहीं तो प्रोग्राम हमें यही बंद करना पड़ेगा। देखिए, इसीलिए शिक्षा जरूरी है देश में, इसीलिए शिक्षा से देश बदलेगा। हर इंसान चाहता है कि भारत दुनिया का नंबर वन देश बने, हर इंसान चाहता है कि भारत एक विकसित देश बने। हम बहुत सालों से सुनते आए हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। जब हम स्कूल में थे तब पढ़ते थे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तब कहा जाता था कि 2020 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी। आज भी पढ़ते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लाईओवर बनाने से देश का विकास होगा, कुछ लोग कहते हैं ब्रिज बनाने से देश का विकास होगा, कुछ लोग कहते हैं प्लेन उड़ाने से, ट्रेन उड़ाने से देश का विकास होगा।
लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज बनाने से देश का विकास होगा। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। उन्होंने एक सपना देखा कि सिर्फ एक अमीर परिवार में पैदा होने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है। वरना होता क्या है कि एक बच्चा अगर अमीर परिवार में पैदा होता है तो उसे अच्छा स्कूल मिलता है, उसे अच्छा कॉलेज मिलता है, उसके बाद अच्छी नौकरी मिलती है। लेकिन जिस माता पिता के पास महंगे महंगे स्कूल, महंगे महंगे कॉलेजेस की फीस देने के पैसे नहीं हैं, वो मजबूरी में सरकारी स्कूल जाते हैं। सरकारी स्कूलों का देश भर में जो हाल है, डेटा बताता है कि 50% से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। मजबूरी में कोई कार मैकेनिक बनता है, कोई दुकान में काम करने वाला बनता है। दुकान में काम करने में या कार के मैकेनिक बनने में कुछ कम नहीं है, समाज में हमें सबकी जरूरत है, लेकिन किसी की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे के पास बराबर अवसर होना चाहिए, चाहे वो एक अमीर परिवार में पैदा हो चाहे वो गरीब परिवार में पैदा हो। और इसीलिए पिछले 8 साल से दिल्ली सरकार ने अपना 25% बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा में लगाया है, देश भर की किसी भी सरकार से ज्यादा लगाया। और आज उसी शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि पिछले 5 सालों से हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के CBSE के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। ये इसी का नतीजा है कि जब दिल्ली सरकार के BR अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के एडमिशन खुलते हैं और 4,400 सीटों के लिए एडमिशन लेने की बात होती है तो 92,000 स्टूडेंट दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। ये दिल्ली की शिक्षा क्रांति है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो दिल्ली शिक्षा क्रांति है ये सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रही है। पिछले 8 साल में दिल्ली में 5 नई यूनिवर्सिटीज खुली हैं, जिसमें दिल्ली फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी है। और उसके लिए मैं हमारे सारे शिक्षा विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इन 5 नई यूनिवर्सिटीज के लिए। आज हम ईस्ट दिल्ली में खड़े हैं। ईस्ट दिल्ली को ऐसा कहा जाता है, हम तो सब बचपन से दिल्ली में रहे हैं, जमुना पार, और बहुत अच्छी निगाह से नहीं कहा जाता था। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जिस कैंपस का आज हम उद्घाटन कर रहे हैं ये ईस्ट दिल्ली का पहला नहीं, दूसरा नहीं, दिल्ली सरकार का 3रा यूनिवर्सिटी कैंपस है जो पिछले 5 साल में खुला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में NSUT का ईस्ट कैंपस खुला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस खुला और आज यहाँ पर IP यूनिवर्सिटी का भी ईस्ट कैंपस खुल रहा है। मैं यहाँ पे IP यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को और PWD विभाग को खास करके बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप सबकी मेहनत से यहाँ पे इतना शानदार कैंपस खड़ा हुआ है जो दिल्ली के बच्चों को और खास करके ईस्ट दिल्ली के बच्चों को 21वीं शताब्दी में एंटर करने का मौका देगा। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, डिजाइन स्टडीज जैसे प्रोग्राम्स पढ़ने का मौका देगा और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति इसी पेस पर बढ़ती रही तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।